Te quiero mejor. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज मैं फी रिफंड पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मतलब बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है कि कितना रुपया पे करना पड़ता है, क्या रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना रिफंड वापस मिलता है। तो ये सब चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको जोसम के राउंड में कोई सीट मिलता है तो आपको एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी 35,000 रुपीज पे करना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट को, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को। और बाकी जो एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनको 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जोसा के सीट को एक्सेप्ट कर लिए, अब आप चाहते हैं कि मैं उस सीट को विड्रॉ करूं, ठीक है। उस सीट को आप विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने सेवेंथ राउंड में अपने इंस्टीट्यूट, जो लास्ट फाइनल इंस्टीट्यूट होता है रिपोर्टिंग का, वहां जाके आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। सीट को विड्रॉ करने के बाद आपको अमाउंट क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 35,000 है तो 1500 जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और रेस्ट आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको जोसा में कोई सीट मिलता है, ठीक, और आप जोसा के सीट को एक्सेप्ट करने के साथ साथ स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको जो सीसेफ पार्टिसिपेशन फी है, जो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी है, वो वापिस पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने जो जोसा में भरा था वो एडजस्ट हो जाता है एज अ सीसेफ पार्टिसिपेशन फी, ठीक। और फिर अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट मिलता है, स्पेशल राउंड वन अगर होता है तो उसमें कोई सीट मिलता है, तो उस केस में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी वापिस पे करना पड़ेगा स्पेशल राउंड वन का, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब आपने दो टाइम पे किया, एक जोसा के सीट एक्सेप्टेंस फी में और एक सीसेफ के सीट एक्सेप्टेंस फी में। तो जो जोसा का सीट एक्सेप्टेंस फी है वो क्या हो जाएगा, वो आपको रिफंड हो जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने सीसेफ के एक्सेप्टेंस फी भरा था वो एडमिशन फी के रूप में एडजस्ट हो जाएगा आपके अलॉटेड फाइनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग रिफंड पॉलिसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि If a candidate opts to withdraw a seat allotted in NIT plus system during institute reporting and does not participate in special round counseling, his or her seat acceptance fee will be refunded. मतलब वापस आपको refund कर दिया जाएगा, ठीक है? Okay. If no seat is allotted to a candidate in special round, अगर special round में कोई seat नहीं मिलता, ठीक है? बल्कि आपने इसमें participate करने के लिए participation fee submit किया, ठीक है, लेकिन आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिला, तो आपका पार्टिसिपेशन फी क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ओके, इफ अ कैंडिडेट गेट्स सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड वन, हिज और हर सीट्स गेट कैंसल ड्यू टू सम रीजन, हिज पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड बैक आफ्टर डिडक्टिंग सर्टन अमाउंट। नेक्स्ट है, इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड वन एंड ऑप्ट फॉर सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड एंड डज नॉट गेट अ सीट इन स्पेशल राउंड टू, तो उसका जो पार्टिसिपेशन फी है और सीट एक्सेप्टेंस फी है वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ओके, इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड वन एंड ऑप्ट फॉर सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, तो हिज और हर पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड। इसका मतलब जो सीसेफ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कोई सीट मिलता है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद अगर आपको फ्रीज करना हो या सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड करना हो, तो उस केस में आपने जो अमाउंट पे किया था वो क्या हो जाता है, वो रिफंड बैक हो जाता है। नेक्स्ट है कि इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड वन एंड हीज और हर सीट गेट्स कैंसल ड्यू टू इन एलिजिबिलिटी और इन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नोटिस ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हीज और हर पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड बैक। ओके, इफ अ सीट इज अलॉटेड अप टू स्पेशल राउंड टू, दैट इज सीट अलॉटेड इन जोसा स्पेशल राउंड वन एंड रिटेन फॉर नेक्स्ट राउंड और सीट अलॉटेड अफ्रेश इन स्पेशल राउंड टू, अगर आपको स्पेशल राउंड टू में नया मतलब फर्स्ट टाइम सीट मिलता है या आपको स्पेशल राउंड वन में सीट ऑलरेडी मिल रखा है, आपने क्या करवाया है कि आपने फ्लोट करवाया, तो उस केस में आपको स्पेशल राउंड टू में भी वापस सीट मिला, ठीक है, तो उस केस में जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है विल नॉट बी रिफंडेड वेदर द कैंडिडेट ज्वाइंस द अलॉटेड इंस्टीट्यूट और नॉट, फी ऑफ सच कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलता, उस केस में जो आपने जो पे किया है सीट एक्सेप्टेंस फी वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट।
If a candidate who has been allotted a seat in special round 2 and his or her seat gets cancelled due to ineligibility or inappropriate document, his or her participation fee and seat acceptance fee will not be refunded back. तो ये था CSAP का refund policy, ठीक है? तो आपको mind में रखना है कि अगर आपको CSAP में कोई seat मिलता है, तो उस केस में आपको seat acceptance fee CSAP में भी pay करना पड़ेगा. अगर आपको अगर आपने जोसा के round में कोई seat acceptance fee pay किया हो तो भी, ठीक है? अब जैसे आपको जोसा में कोई seat नहीं मिलता, तो जोसा में जिसको कोई seat नहीं मिलता है, उनको CSAP का participation fee भी pay करना पड़ेगा, साथ ही साथ CSAP में अगर कोई seat मिलता है, तो seat acceptance fee भी pay करना पड़ेगा, ठीक? अगर CSAP में कोई seat नहीं मिलता है, तो उस केस में जो आपने participation fee submit किया था, जो भरा था, वो आपको refund हो जाएगा after deducting certain amount of money, ठीक है? तो ये था refund policy fees के बारे में. अगर आपको कोई भी doubt आप comment section में type कर सकते हैं.